पढ़ते हैं कि जो मेंडल ने जनरलाइजेशन दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो कौन कौन से थे। तो मेंडल ने जो है एक वन सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो मेंडल के लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स बने थे वो तीन बने थे, लॉज प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल के तीन लॉज और प्रिंसिपल्स बने थे। तो पहला कौन सा था? लॉ और प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ फैक्टर। Each character is controlled by a pair of factors. Okay. Next point was the factors which are present on the same position of homologous chromosome. Same position of homologous chromosome constitute alleles. Alleles or allelomorphic pair. Allelomorphic pair. अगर ये एलील का पेयर सिमिलर है, अगर ये फैक्टर सेम टाइप के हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, पहले भी बता चुके हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। ओके, अगर सिमिलर पेयर है तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट डिफरेंट एलील है तो हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जो दूसरा लॉ था और प्रिंसिपल वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर एलील्स, इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर एलील विच कंट्रोल ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, in that pair one allele will dominate the other, one allele will dominate the other। agar hamare paas ye allele hai tt, to ye different different allele present hai yahan par, to is case mein ek allele jo hai dusre ke upar dominate karega, to isko bolte hai law of dominance। to jo allele dominant hai, dominate kar raha hai, usko bolte hai dominant allele। और जिसका कैरेक्टर शो नहीं हो पा रहा है, मतलब जो सप्रेस हो रहा है ड्यू टू डोमिनेंट एलील, उसको बोलते हैं रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील। तो जो डोमिनेंट एलील है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो स्मॉल लेटर से रिसेसिव एलील को डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे एक्सप्लेन किया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स अकर इन या प्रेजेंट इन पेयर, जो फैक्टर्स है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे हमेशा। थर्ड पॉइंट, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, इन डिसिमिलर
pair of factor, one factor will dominate over other. One factor will dominate over other. तो according to NCERT law of dominance क्या है, जो character है वो factor से control होते हैं, factors हमेशा pair में present होते हैं, और अगर dissimilar pair of factor है, मतलब capital T या small t है, तो इस केस में एक factor दूसरे factor के ऊपर dominate करेगा, मतलब ये जो dominant allele है वो अपना expression show करेगा, और recessive character का जो expression है, रिसेसिव एलील का जो एक्सप्रेशन है वो शो नहीं होगा. और जो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इट इज यूज्ड टू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर वन पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, this law is also used to study the phenotypic ratio 3:1 in monohybrid cross. monohybrid cross के अंदर हमने देखा था अभी कि जो phenotypic ratio है F2 generation के अंदर वो 3:1 था, मतलब 3 tall plant थे और एक dwarf plant था. तो ये जो characters appear हुए थे वो law of dominance की वजह से ही अपीयर हुए थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो डोमिनेंट एलील है वो अपना इफेक्ट शो करेगा आइदर इन होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपना एक्सप्रेशन ओनली एंड ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा. थर्ड लॉ वाज लॉ और प्रिंसिपल ऑफ segregation, law or principle of segregation, or law or principle of purity of gametes. So the third law hai, it is based on the fact that the factors controlling a particular character do not show any blending with each other, due to which both the parental characters appear in the F2 generation, though only one parental character was appeared in F1 generation. So F2 generation में both parental characters appear हुए थे, और F1 generation में only वन पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर हुआ था. तो ये जो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, कि जो फैक्टर्स हैं जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं. अगर वो मिक्स होते तो F1 के अंदर कोई और कैरेक्टर आता, एक पेरेंटल कैरेक्टर नहीं आता, और मिक्स होने के बाद F2 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर शो नहीं हो पाता. इसीलिए ये जो लॉ बताते हैं कि जो फैक्टर्स है वो एक दूसरे से ब्लेंडिंग शो नहीं करते. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट वॉज, जो फैक्टर्स है एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. फैक्टर्स कंट्रोलिंग ए पार्टिकुलर कैरेक्टर separates from each other and gamete receive only one factor and
गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर। ये एक पेयर ऑफ फैक्टर है जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ओनली वन फैक्टर विल बी ट्रांसफर टू गैमेट। सो गैमेट को अगर हम देखें तो ये एक गैमेट है, ये एक गैमेट है, तो इसके अंदर केवल एक ही फैक्टर प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गैमेट जो है वो उस पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या है, प्योर है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सो दिस वाज द लॉ और प्रिंसिपल दैट वर बेस्ड ऑन द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, सो दिस क्रॉस इज यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। टू जीन्स को कैसे इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहां पर हम दो कैरेक्टर को कंसिडरेशन कर रहे हैं। सो मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया तो जो पी प्लांट लिया उसके दो कैरेक्टर्स चूज किए। फर्स्ट वॉज शीट शेप विच वॉज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7 SS मतलब 7, एंड सेकेंड कैरेक्टर वॉज सीड कलर विच वॉज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। तो सीड शेप की हम बात करें तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, राउंड और रिसेसिव रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड वर द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर कैरेक्टर। अगर हम सीड कलर की बात करें, इसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, येलो और रिसेसिव ग्रीन। तो कैरेक्टर कौन सा है, सीड कलर, और येलो जो है वो ट्रेट है और ग्रीन भी एक ट्रेट है। तो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो F1 जनरेशन में उसको हाइब्रिड ऑब्टेन हुआ, और सेल्फिंग कराई जब उस F1 जनरेशन के प्लांट की तो F2 जनरेशन में पेरेंटली कैरेक्टर्स भी ऑब्टेन हुए थे और रिकॉम्बिनेंट भी ऑब्टेन हुए थे। तो अभी देखते हैं हम मेंडल ने जो ये एक्सपेरिमेंट है वो कैसे परफॉर्म किया। तो मेंडल ने जो है दो प्लांट लिए थे हैविंग राउंड एंड येलो सीड, इसका क्रॉस कराया था दूसरे पी प्लांट के साथ जिसके अंदर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड प्लांट। ओके, अगर इसके हम जीनोटाइप को देखें तो RR YY, इस केस में दोनों कैपिटल होंगे, इस केस में small r एंड small y। गैमेट फॉर्मेशन देखें हम इसमें तो इसमें कितने हाइब्रिड है, 2 to the power एंड हाइब्रिड कितने हैं, 0, 2 to the power 0, दैट इज ओनली वन गैमेट विल फॉर्म। तो कौन सा गैमेट होगा इस केस में, R और Y, तो RY। इस केस में ये गैमेट बनेगा, इस केस में भी एक ही गैमेट बनेगा, दैट विल बी small r small y। जब हम इसको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, R r Y, जिसके अंदर फिनोटिपिक क्या था, कैरेक्टर राउंड एंड येलो सीड इन F1 जनरेशन। जब इस F1 जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे वो पेरेंटल कैरेक्टर भी शो कर रहे थे और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स भी शो कर रहे थे। अभी हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से F2 जनरेशन का चेक करते हैं कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या था। तो F2 जनरेशन में RR YY इसकी सेल्फिंग कराए
तो इसमें नंबर ऑफ गैमेट कितने होंगे, हेटरोजाइगस कितने हैं, दो, टू टू द पावर टू, दैट इज फोर। फोर गैमेट्स कौन कौन से होंगे, अभी हमने गैमेट बनाना बताया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक गैमेट कौन सा होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार गैमेट्स बनेंगे। तो पुनेट स्क्वेयर की हेल्प से हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या था इन एफ टू जनरेशन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री एंड फोर। तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर, मेल फीमेल प्लांट, यहाँ पर गैमेट लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। जब इन दोनों को क्रॉस होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इन दोनों के क्रॉस से क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसके क्रॉस से क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और इनके क्रॉस से कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इन दोनों के क्रॉस में जब हम देखते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हियर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके अब यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर हम इस केस में देखते हैं तो दोनों जो है डोमिनेंट एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट है पेयर में भी, तो ये प्लांट कैसा होगा, कैसा होगा, राउंड येलो, राउंड येलो। ये प्लांट कैसा होगा, यहाँ पर देखो कैपिटल आर है तो राउंड, एंड दिस विल बी एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है कैपिटल वाई, ये भी राउंड येलो होगा। इस केस में देखते हैं हम कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड और ये कैपिटल वाई है तो येलो। अब यहाँ देखें कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, ठीक है। और यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो राउंड येलो, यहाँ पर राउंड ग्रीन, यहाँ पर देखो ये दोनों स्मॉल वाई है तो ग्रीन शीट ऑब्टेंड होगा। यहाँ पर देखो ये राउंड आर आर एंड वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई इट विल बी येलो। यहाँ पर देखते हैं तो ये आर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड और ये ग्रीन, यहाँ पर राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो और ये रिंकल्ड येलो। ओके यहाँ पर राउंड येलो और ये राउंड रिंकल्ड,
ब्राउन ग्रीन सॉरी, और ये रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल्ड ग्रीन। तो अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमें कौन कौन से प्लांट मिल रहे हैं, ब्राउन और येलो, ठीक है। दूसरे कौन से हैं, राउंड ग्रीन। तीसरे कौन से हैं, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अब हम यहां पर ये जो फिनोटिपिक रेशियो होगा इसको अपने फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए रेशियो क्या था, 2 to the power n, नंबर ऑफ फिनोटाइप इज इक्वल टू 2 to the power n। यहां पर कितने हैं हेटरोजाइगस, 2, तो कितने बनेंगे टोटल फिनोटाइप, 4। तो 4 कौन कौन से होंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखें, राउंड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, येलो इज ऑल्सो डोमिनेंट कैरेक्टर, तो डोमिनेंट कैरेक्टर की फिनोटिपिक रेशियो में कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 3/4 × 3/4, दैट विल बी 9/16। सो 16 में से 9 प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि राउंड शीट और येलो कलर शीट के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज राउंड ग्रीन, राउंड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4, तो 1/3/16। तो 3 प्लांट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर राउंड एंड ग्रीन शीट प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर रिंकल्ड येलो भी देखें हम, तो रिंकल्ड 1/4 × येलो 3/4, सो इट विल बी 3/16। सो रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट कितने होंगे, 3 out of 16। रिंकल्ड ग्रीन की बात करें हम, रिंकल्ड इज द रिसेसिव कैरेक्टर एंड ग्रीन इज ऑल्सो रिसेसिव कैरेक्टर, सो 1/4 × 1/4 इट विल बी 1/16। आउट ऑफ 16 प्लांट की प्लांट्स ओनली 1 प्लांट विल बी हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, ओके। सो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या बना, नाइन रेशियो थ्री रेशियो वन। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। आप अगर इसको क्रॉस चेक करके देखेंगे तो भी यही रेशियो आएगा। नो प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें राउंड येलो शीट प्रेजेंट होंगे, ओके। अब हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। तो फिनोटाइप के अंदर कौन कौन से प्लांट थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें ये 4 फिनोटाइप ऑब्टेन हुए थे मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो राउंड येलो कौन कौन से प्लांट में पॉसिबल है, अगर हम जीनोटाइप निकालना चाहें इसका, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते। 3 to the power n, जो नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट थे इस केस में कितने थे, 2, तो टोटल 9 जीनोटाइप होंगे। तो राउंड येलो के लिए कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल है, Capital R, capital Y, ओके, और Capital R, small r, capital Y, capital Y। नेक्स्ट इज Capital R, capital R, capital Y, small y, एंड Capital R, capital R, capital Y, small y, एंड Capital R, small r, capital Y, small y। तो ये 4
जीनोटाइप से जिनकी वजह से हमें राउंड येलो प्लांट ऑब्टेन हो सकता है। तो हमने जब प्रोबेबिलिटी को स्टडी किया था जीनोटाइप के अंदर, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी थी 1/4 और हेटरोजाइगस की प्रोबेबिलिटी थी 2/4। तो इस केस में होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 × 1/4, दैट इज 1/16। इस केस में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? हेटरोजाइगस है 2/4 × होमोजाइगस 1/4, दैट इज 2/16। अब इस केस में देखो, दो इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट है 1/4 × हेटरोजाइगस है, तो 2/4 = 2/16। इस केस में 2/4 हेटरोजाइगस है इंटू 2/4, दैट इज 4/16। अब सेकंड फिनोटाइप की बात करें राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन होने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? राउंड आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ग्रीन जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, तो ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना इफेक्ट शो करेगा। तो स्मॉल वाई फर्स्ट, दूसरा क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब देखो इसके जीनोटाइप क्या होगा। ये जो है डोमिनेंट होमोजाइगस, दिस इज रिसेसिव होमोजाइगस, तो 1/4 × 1/4 = 1/16, दैट मींस 16 में से एक प्लांट ऐसा होगा जिसका जीनोटाइप ये होगा। इस केस में बात करें हम 2/4 × 1/4 = 2/16, आउट ऑफ 16 पी प्लांट्स ओनली 2 प्लांट्स विल हैव दिस जीनोटाइप। नेक्स्ट इज रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड इज ऑल्सो रिसेसिव कैरेक्टर एंड येलो इज डोमिनेंट कैरेक्टर। सो रिंकल्ड कब पॉसिबल होगा? जब ये रिसेसिव कंडीशन में होगा और होमोजाइगस में। स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इन दोनों केस में जो प्लांट ऑब्टेन होंगे वो कैसे होंगे? राउंड रिंकल्ड येलो। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/4 × 1/4 = 1/16। और यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी होगी? 1/4 × 2/4 = 2/16। लास्ट इज रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन दोनों जो है रिसेसिव करेक्टर है और होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 × 1/4 = 1/16, दैट मीन्स आउट ऑफ 60 प्लांट्स ओनली वन विल हैव दिस जीनोटाइप। तो अगर हम अब चेक करें तो कितने होंगे टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे फॉर्मूला के अंदर ये अप्रोप्रिएटली फिट हो रहे हैं। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:2, 1:2, 2:2, 1:2, 4:2, 2:1, 2:1। ये जो होगा इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा, याद कैसे रखे? 12, 12, 4, 21, 21, ठीक है। और फिनोटिपिक रेशियो क्या था इसका? फिनोटिपिक रेशियो वाज 9:3:3:1। 9 कैसे आया था? राउंड येलो, मतलब 3/4 × 1/4, दैट इज 9/16। और ये जो राउंड ग्रीन था ये 3/4 × 1/4 = 3/16। रिंकल्ड येलो था 1/4 × 3/4 = 3/16। लास्ट वन वाज रिंकल्ड ग्रीन 1/4 × 1/4 = 1/16। तो हमें ये फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन हुआ था और ये जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन हुआ था मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस में। जब मेंडल ने अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया तो उसने सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दिया था जिसका नाम उसने रखा था लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गेव सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन विच इज नोन एज लॉ
और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू दोज कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उन्हीं के लिए लॉ एप्लीकेबल है. तो फर्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल टू दोज कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स. दैट मीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट दो जो ये कैरेक्टर्स है वो सेग्रीगेशन शो करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और इनका सेग्रीगेशन जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता. बोथ कैरेक्टर्स शो सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन and segregation is independent to each other. Okay, so these two points were the key point of this law. Third point is agar ye dono character same chromosome ke upar present ho to ye independent assortment show karne mein fail ho jayenge. जो ये फिनोमिना है इसको बोलते हैं लिंकेज. लिंकेज जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेंडल को नागेली ने हॉकवीड प्लांट दिया था जिसके अंदर मेंडल जो है इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन करने में फेल हो गया था. उसका रीजन क्या था कि मेंडल ने जो दो कैरेक्टर कंसिडर किए थे वो दोनों सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे. ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनो एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट मेंडेलियन वर्क.